एक्सप्लोरर, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्राइम लोकेशन पे एक 3 BHK फ्लैट। तो ये जो लोकेशन है ये है भजनपुरा, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, नियर में बहुत अच्छी मार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस पास में हैं, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब कि दो कदम आपके घर से मात्र 2 कदम की दूरी पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ भी आपको लेना हो, कोई भी आपको सुविधा चाहिए हो, घर से बस 2 कदम की दूरी पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, गली में ही एक मंदिर है, तो पूजा वूजा वगैरह का भी काम आपका पास में ही हो जाएगा। तो इससे अच्छी लोकेशन मुझे नहीं लगता कोई मिलने वाली है। और हमारे चैनल पे अब तक की बेस्ट लोकेशन हम लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही बढ़िया फ्लैट लेके आए हैं और काफ़ी बड़ा फ्लैट लेके आए हैं। तो सबसे पहले फ्लैट के बारे में मैं आपको बता दूं, तो 110 गज का आपका पूरा फ्लैट आपको मिलने वाला है और प्राइस वीडियो के आपको लास्ट में पता लगेगा। तो प्लीज़ पहले पूरा वीडियो देखिए, फ्लैट को देखिए। और फ्लैट जो है वो आपका टॉप फ्लोर का फ्लैट है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। और इसके साथ आपको छत भी मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए चल के हम अपना फ्लैट देखते हैं और देखते हैं कि हमको ये कितने का मिलने वाला है। तो ये हमारा फ्लैट का डोर, जो कि मेटल का डोर है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग डोर है, मतलब आपको टेंशन नहीं है कोई सिक्योरिटी की। आपको मेटल का डोर यहाँ पे दिया जाएगा, काफ़ी बड़ा डोर है, ऑलमोस्ट 7 फीट का यहाँ पे डोर आपको मिल जाएगा। और अगर एंट्रेंस की बात करें तो घुसते ही यहाँ पे आपका हॉल है, तो हॉल आपको 15x10 का यहाँ पे हॉल मिलेगा, जिसमें एक वॉल पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। प्लस में इधर ही आपकी बालकनी है, तो अगर जो भी मतलब हॉल में बैठे हुए तो इजीली यहाँ पे हवा क्रॉस होती रहती है और काफ़ी मतलब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सफोकेशन का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस में आपका जो फ्लैट है वो टॉप फ्लोर फ्लैट है, तो बाहर से जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। बालकनी की बात करें तो काफ़ी बड़ी स्पेशियस बालकनी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको फ्रंट एलिवेशन मिल जाएगा देखने को, तो जिससे आपकी जो फ्लैट की शो है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और बालकनी के साइज़ की बात करें वो ऑलमोस्ट 10x4 फीट का रहने वाला है और पूरे में यहाँ पे आपको मार्बल मिलने वाला है। कितनी बारिश होती रहे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आप सामने की तरफ देख सकते हैं। और एक स्पेशलिटी यहाँ पे आपको बेसिन मिल जाता है, प्लस में आपको वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे फिटिंग्स मिल जाएगी और स्विचेस मिल जाएंगे। इसमें आपको विंडोज़ मिल जाती है, अगर आप विंडो एसी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर डोर नहीं ओपन करना चाहते तो भी काफ़ी अच्छी हवा और सनलाइट आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये आपको यहाँ पे साथ में अपना हॉल में बाथरूम मिलने वाला है, तो भाई बाथरूम कम टॉयलेट यहाँ पे आपको अटैच मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छी हाइट है इसकी और पूरे में ऊपर तक टाइल्स लगा के दी गई है, तो सीलन की आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली है, कितना ही पानी यहाँ पे गिरे। और नीचे भी आपका एंटी स्लिप टाइल्स है, तो कोई भी तो फिसलने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सामने अगर आप टैप्स की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको SS वाली टैप्स मिलने वाली है, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको एक कॉरिडोर मिल जाता है, जिसमें आपका तीनों रूम्स के एंट्रेंस, प्लस में सामने आपको काफ़ी बड़ी यहाँ पे किचन मिलने वाली है। तो पहले हम रूम देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूम है, उसमें सामने की वॉल की बात करें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे दे रखी है, प्लस में सीलिंग पे भी बहुत अच्छा डिज़ाइन आपको मिलता है और लाइट साथ में मिल जाएगी आपको इसमें, तो और काफ़ी बड़ा स्पेशियस रूम आपका होने वाला है ये। तो आपका जो रूम है ये 12x10 का काफ़ी स्पेशियस रूम मिल जाएगा। और आप बेड जैसे आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा बेड है यहाँ पे आपको मिल जाता है, उसके बाद भी काफ़ी स्पेस आपका रूम में है, आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। साथ में आपको एक कबर्ड मिलने वाला है यहाँ पे, जिसमें और ये फ्लैट के साथ है बिल्कुल, और यहाँ पे आप कुछ भी सामान अपना रख सकते हैं। तो रूम के फ्लोर की बात करें तो नीचे आपको टाइल्स मिल जाएंगे और काफ़ी सही डिज़ाइन की टाइल्स है। सेकेंड रूम की तरफ हम चलते हैं, तो सेकेंड रूम की अगर बात करें तो फ्रंट वॉल जैसे कि एक वॉल आपको मिलते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, आप भी किड्स रूम भी इसको आप ले सकते हैं, प्लस में सीलिंग पे भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलता है। और इसमें भी इस रूम में भी आपको साथ में कबर्ड मिलने वाला है और काफ़ी बड़ा स्पेशियस, वही 12x10 का साइज़ इसका भी। इसके भी अगर फ्लोर की बात करें तो सेम पूरे जैसे पूरे फ्लैट में इसी टाइप की आपको टाइल्स मिल जाएगी और कॉरिडोर में आपको यहाँ मार्बल लगा के दिया जाएगा।
तो ये अपना किचन है और काफ़ी बड़ा साइज़ है किचन में भी, तो मतलब ये जैसे गर्मी की प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं होने वाली है क्योंकि डायरेक्ट आपका कॉरिडोर से कनेक्ट है, तो बिल्कुल ही ओपन है आपका किचन और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो किचन की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 10x8 का आपको किचन मिलने वाला है। नीचे की साइड में आपको ड्रॉर्स और ये सब लगा के दिया जाएगा, तो इजीली आप अपना काफ़ी सारा सामान यहाँ रख सकते हैं। और ऊपर तक यहाँ पे आपको टाइल्स लगा के दी जाएगी। तो मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं इस फ्लैट के, तो बाहर काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। और डोर की बात करें तो वही हैवी डोर जैसे बाकी फ्लैट में, और काफ़ी बड़ा स्पेशियस आपका ये बेडरूम है क्योंकि मास्टर बेडरूम में तो बड़ा होना ही है। एक वॉल एज यूजुअल जैसे होती है आपका डिफरेंट डिज़ाइन, तो सीलिंग पे भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे झूमर टाइप मिलने वाला है। और इजीली आप यहाँ पे 2 फैन लगा सकते हैं, और इसी के साथ आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्पेस दिया गया और काफ़ी बड़ा स्पेस है ये भी, यहाँ पे आप अपनी कोई भी मतलब कवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अलमारी लगा रखी है इन लोगों ने, तो ऐसे आप अपना भी यहाँ पे कवर्ड लगा सकते हो और काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मतलब एक स्टोरेज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। प्लस में यहाँ पे आपको बाथरूम मिल जाएगा, तो प्लस में आपको एक बाथरूम मिलने वाला, तो यहाँ पे बाथरूम अटैच मतलब टॉयलेट साथ में कंबाइंड है। और ये आपका रूम के साथ काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब छोटा होता है कई मास्टर बेडरूम्स के साथ तो वैसा कुछ नहीं है, काफ़ी बड़ा है। और ऊपर तक यहाँ पे वैसे ही दूसरे बाथरूम की तरह यहाँ पे भी आपको टाइलिंग लगा के दी जाएगी, तो इसमें भी कोई सीलन वीलन की टेंशन नहीं है। बात करें रूम में, वहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे मेरे, तो यहाँ पे आपको एक शाफ्ट मिल जाएगी, तो यहाँ पे भी आप अपना एसी आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी लगाना तो खोल सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी एयर यहाँ से क्रॉस होगी, तो कोई मतलब घुटन वाली बात नहीं है। फ्लोर की बात करें यहाँ पे, तो यही सेम आपको टाइलिंग मिल जाएगी यहाँ पे भी, तो जिससे कोई टेंशन नहीं है, आपका फ्लोर ख़राब होने वाली बात नहीं है, सालों साल ये चीज़ चलने वाली है। तो रूम के साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 12x14 का रूम मिलने वाला है ये, तो टॉप फ्लोर है इस कारण से आपको यहाँ पे आपको टेरेस भी मिल जाएगी इसके ऊपर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस टेरेस है। तो ये आपके टेरेस की एंट्रेंस है और आपको यहाँ पे लोहे का दरवाज़ा दिया गया, सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी ज़्यादा सही है। प्लस में आपको इस साथ में एक टॉयलेट मिल जाता है जो यूजली नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको मिल रहा है तो काफ़ी एक बढ़िया एडवांटेज भी है ये। तो टेरेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी आपको टेरेस मिलने वाली है, और इजीली आप यहाँ पे अपना मतलब छोटा पार्टी फंक्शन भी इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो वहाँ पे आपको एक शाफ्ट है, और ये दोनों शाफ्ट के लिए सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर टेरेस की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको टेरेस मिलने वाली है, और अगर आप कोई सामान रखना चाहो तो नीचे आपको उस तरफ आपको कोई एक स्टोरेज मिल जाएगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे आप इजीली रख सकते हो। आसपास के एरिया की बात करें तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब भरा हुआ एरिया है, तो यानी कि आपको बहुत ही अच्छी लोकेशन में मिलने वाला है ये, और भजनपुरम के अंदर है जहाँ की आप मार्केट जानते हैं ऑलरेडी कितनी अच्छी मार्केट है, सब कुछ यहाँ मिल जाता है इजीली, और बहुत आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी सर्विसेज आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे हम गली की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेड़ वेड़ भी लगा रखे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होगा नीचे, और गली आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है, आप तो इजीली आपकी गाड़ी वाड़ी आती है तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें तो साथ में आपको यहाँ पे एक कार पार्किंग भी मिलने वाली है, और सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और बाकी जो है नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कॉल कर सकते हो, फ्लैट आपने देख ही लिया है और कमेंट में पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है। तो अब मेन चीज़ पे आते हैं, मतलब इसका प्राइस कितना है और फ्लैट का टोटल एरिया कितना है। हमारे साथ फ्लैट के ओनर हैं, तो सर से बात करते हैं कि हमारा जो फ्लैट है कितना बड़ा है, कितने प्राइस होगा इसका, और कहाँ लोकेलिटी में आपको मिलेगा ये। तो सर सबसे पहले बता दो कि कितना बड़ा हमको ये फ्लैट मिलने वाला है। सर ये 110 गज का फ्लैट है, टॉप फ्लोर का। अच्छा सर, प्राइस क्या होगा इस फ्लैट का? प्राइस सर इसका अराउंड 32 लाख है। तो 32 लाख के अंदर हमको ये 3 BHK बढ़िया सा मिलने वाला है। और सर थोड़ा सा एरिया बता दो, किस एरिया में एग्जैक्टली पड़ता है? सर ये पड़ता है भजनपुरा के ब्लॉक में। ठीक है सर। तो गाइज आपने सब कुछ जान लिया कि कितने का हमको ये फ्लैट मिलने वाला है और क्या प्राइस होने वाला है। तो 32 लाख में आपको ये मिलने वाला है, 110 गज का फ्लैट है, काफ़ी बड़ा फ्लैट है, और भजनपुरा जैसे इलाके में इतना सस्ता फ्लैट आपको बहुत ही कम मिलेगा, तो बहुत ही लिमिटेड वाली चीज़ है ये, आप इजीली इसे नहीं मिलने वाली ऐसी चीज़ आपको। तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए मुझे फ़ोन करो, नंबर आपको यहाँ चलता हुआ दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप वहाँ से बात कर सकते हो मुझसे, कमेंट में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूँगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी फ्लैट आपने देख ही लिया है, तो जिसको पसंद आ रहा है प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी कॉल करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो भाई बहुत जल्दी निकल जाती हैं,
और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ऐसे फ्लैट निकलने में, क्योंकि एरिया आप जैसे भजनपुरा जैसा एरिया जहाँ पे अच्छी मार्केट है, इतनी सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको इजीली, बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मार्केट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मिलने वाली हैं यहाँ पे, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोकेलिटी बहुत अच्छी है, एरिया बहुत अच्छा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको 3 BHK फ्लैट सिर्फ 32 लाख में आपको मिलने वाला है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, और फ्लैट आपने देख ही लिया है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा नंबर पर फ़ोन करना, नंबर अभी भी यहाँ चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो शूट करवानी है अपनी प्रॉपर्टी की, आपको सेल करनी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नीचे एक मैंने फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे फिल करके अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे बता सकते हैं, आपको कैसा फ्लैट चाहिए या आपको कैसा सेल करना है, कैसी प्रॉपर्टी आपको चाहिए, वो सब बता सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना।